की जा रही है, और विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल बिहार की खबर का रुख करते हैं। आपको हमने बताया था किस तरह से टीईटी परीक्षा के कैंसिल करने के विरोध में अभ्यर्थी आ गए हैं। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पर बयान दिया है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भ्रम के हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीटीईटी बंद कराने या नहीं कराने का कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी संतोषजनक संख्या अभ्यर्थियों की है। अभी बीटीईटी परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय नहीं हुआ है। अभी निर्णय हुआ है स्थगित करने का। राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक बीटीईटी परीक्षा लेगी। भविष्य में बीटीईटी परीक्षा पर कोई रोक नहीं। टीईटी परीक्षाओं को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इस वक्त हमारे साथ खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं। सर, ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, सर इस पे आपका क्या पक्ष है? आपने खुद कहा है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए, और खासतौर से हमारे छात्रों या अभ्यर्थियों को, कि हम लोगों ने कोई बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया छठे चरण की समाप्त कर सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करना चाहते हैं, और अगर अभी हम पात्रता परीक्षा का फिर से आयोजन करें तो फिर से कई महीने ये विलंबित हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से है कि बिहार में जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, अभी कुछ दिन के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर सातवें दौर में जो है शिक्षकों का नियोजन होना है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया पटना।